तो कैसी है पब्लिक, स्वागत है तुम लोगों का टेक्नो करेना के और नए वीडियो में। द स्पेसिफाइड मॉड्यूल कुड नॉट बी फाउंड। अगर तुमने अभी अभी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लगाई ये पेन ड्राइव और पेन ड्राइव में दिखा रहा है कुछ इस तरीके का शॉर्टकट और उसे क्लिक करने पे ये रन DLL एरर आ रहा है, डेटा नहीं खुल रहा है, तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो जो जो मैं बताऊँ वो सारे स्टेप कर लेना, बिना स्किप किए प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। तो अपने सर्च बार में CMD टाइप कर लो और CMD टाइप करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट को कर लो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ जी, कमांड प्रॉम्प्ट को कर लो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है। अब दोस्तों तुम्हें इसमें टाइप करना है कोड, जो कोड मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से तुम लोग डायरेक्ट देख सकते हो। बट यार ये नहीं है कि वीडियो स्किप कर दिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आने वाला एक ट्विस्ट, एक जगह है जहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है, कोड में थोड़ा सा चेंज है, तो वीडियो को पूरा देखो यार। तो अब कोड है AttriBee स्पेस डैश H स्पेस डैश R स्पेस डैश S, सब स्मॉल में। अब स्पेस यहीं पर दोस्तों देना है ध्यान। अब दोस्तों यहाँ डालना है अपना डिस्क इनिशियल, वो भी कैपिटल में। मैंने डाला कैपिटल F। अब वो F इसलिए डाला क्योंकि मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो USB ड्राइव F, मेरी ड्राइव F की तरह रीड हुई है, इसलिए मैंने F डाला। अगर तुम्हारी USB ड्राइव G, USB ड्राइव D अगर ऐसी आती है तो तुम लोग D, G जो भी आ रहा है वो डाल देना। अब उसके बाद दोस्तों लगाओ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद दोस्तों टाइप करो स्टार डॉट स्टार। हाँ जी, स्टार डॉट स्टार। अब दे दो एक स्पेस। अब स्पेस के बाद लगाओ एक स्लैश S स्पेस स्लैश D और कर दो एंटर। हाँ जी, बस इतना सा था, ये कोड डाल के कर दो एंटर और हो चुकी है प्रॉब्लम सॉल्व, डेटा हो चुका है रिकवर्ड। ये देखो प्रूफ में मैं अपना डेटा दिखा देता हूँ। अब यहाँ आ चुका है एक और फोल्डर, और फोल्डर पे क्लिक करते ही ये रहा मेरा सारा डेटा, ऑल डेटा रिकवर्ड। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटा ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।